Okay, today I have taken the topics in probability, mutually exclusive, exhaustive events and independent events. Okay, so I am discussing, firstly I am taking what is the meaning of this, so much lots of confusion, that's why on the requirement of students I have made this video. Mutually exclusive events. Okay, just like if we taken a Venn diagram, with the help of Venn diagram, this is A event and this is B event. Okay, now these are disjoint event. The first condition is these are disjoint. Second condition, intersection. There is no intersection because we know there is no overlapping nahi hai, so this is the disjoint event. So disjoint may always intersection is zero. Okay, so they are called mutually exclusive events. Okay, I'm taking the just like example, ek example le rahe hain. In example, I have clear just for two dias, दो डायस के लिए, अगर दो डायस हैं हमारे, तो टोटल केसेस अगर हमने दो डायस को थ्रो करा है, तो देर आर टोटल केसेस आर 36, जस्ट लाइक हाउ 36 मीन्स, कैसे 36 होता है, वन को फिक्स कर दें, वन एक पासे में, एक डायस में वन आए, दूसरे में वन आए, देर आर 36 केसेस. So sample space cardinality is 36. Cardinality in a sample space. Okay, S is a stand for sample space. How is it possible? Ek mein humne 1 fix kiya, 1, 2, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Okay, now 2 ko fix kariye, 2, 1 and 2, 6. फर्स्ट टाइम है तो एक बार हम इसको राइट कर देते हैं, लिख देते हैं. ओके, दीज आर द केसेस थ्रोइंग टू डायस एंड द केसेस ऑफ 36, टोटल 36 केसेस आर देयर. ओके, सो नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन इज शोइंग 5, मतलब कि पासों में, ये डाइस में वन आपका 5 हो, एटलीस्ट वन इज 5, एक डाइस में 5 हो, एटलीस्ट मीन्स हो गया आपका. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एटलीस्ट? एटलीस्ट का मतलब क्या होता है? कम से कम एक में 5 हो, कम से कम एक में 5 हो, मतलब कि क्या हुआ, दोनों में भी हो सकता है, एक में तो 5 हो. तो देखिए, एक केस ये है, दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये भी केस कंसीडर हो सकता है, बिकॉज दोनों में 5 है, एक में 5 कहां गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8, 9, 10, 11, द टोटल 11 केसेस आर देयर. सो फेवरेबल नंबर ऑफ केस इज 11 और टोटल केस इज 36. ओके, तो एटलीस्ट 1/5 की प्रोबेबिलिटी हो गई 11/36. इसको हमने कह दिया कि दिस इज जस्ट लाइक, ये इवेंट मान लिया हमने कि ये इवेंट है. ओके, नाउ प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो आपकी 5 आ गई, एंड देन बी प्रोबेबिलिटी है कि सम 4 हो, ये दोनों में सम 4 हो. तो सम 4 देखिए, 1 and 2, 3, सो टोटल नंबर ऑफ केसेस आर ओनली 3. So, इसको हमने दूसरे से लिख दिया, क्रॉस से, जैसे कि हम कॉमन देख लें, तो इट इज 3/36. फेवरेबल नंबर ऑफ केस 3 एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस इज 36, सो टोटल प्रोबेबिलिटी इज 3/36. नाउ वी कैन, अच्छा हमने सम इज लेस देन, अगर सम इज 4 लिखा है, सम 4 है अगर, ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ केसेस ये होंगे हमारे. सो यू कैन सी
कि अगर प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 5 एक में 5 रहे तो वो 11/36 आ रही है, और सम अगर 4 है तो प्रोबेबिलिटी 3/36 आ रही है। तो ए और बी देखिए यहाँ दोनों डिसजॉइंट सेट है, क्योंकि एटलीस्ट अगर 1 में हमने 5 कर दिया तो सम तो 4 हो ही नहीं सकता। तो यू कैन सी कि जो आपका क्रॉस में आपने लिया है और जो टिक मार्क है, देयर इज नो कॉमन, देयर इज नो कॉमन। तो वी कैन से हेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। ओके, सो ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। गेटिंग? यस और नो? मतलब कि ए और बी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि ए आपका है प्रोबेबिलिटी है एटलीस्ट 1/5 आने की, और दूसरा आपका है प्रोबेबिलिटी है सम 4 आने की। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि सम 4 हो जाए और एक में एक डाइस में 5 आए। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो वी कैन से द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज 0। और जब आपका ये डिसजॉइंट सेट है, प्रोबेबिलिटी 0 है इंटरसेक्शन, देयर इज नो ओवरलैपिंग, सो दे सेड दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ओके ओके, नेक्स्ट है आपका टॉपिक एग्जॉस्टिव इवेंट्स। एग्जॉस्टिव इवेंट्स और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में डिफरेंस देखिएगा ध्यान से। एग्जॉस्टिव मीन्स है कि अगर सैंपल स्पेस देखिए कवर पूरा कर रहा है, इसके पहले जो हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बताया था आपको, उसमें देखिए ये पूरा कवर नहीं करा, ये डिसजॉइंट तो है लेकिन इसने सैंपल स्पेस को कवर नहीं किया पूरा। ओके, बट हेयर दिस इज अ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव, फर्क देखिएगा। अब ये एग्जॉस्टिव इवेंट्स कैसे है कि सैंपल स्पेस को जो कवर कर ले पूरा, ए और बी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, नॉट 50-50, क्योंकि यहां दिख रहा है 50-50 नहीं है, बट ये पूरा सैंपल स्पेस को कवर कर ले, दीज आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इवेंट्स। मतलब कि ए यूनियन बी करे वो टोटल ऐसा है, मीन्स यहां पे हम कह सकते हैं पी ए यूनियन बी इज 1। ओके, एग्जॉस्टिव इवेंट्स की कंडीशन ये होती है, ठीक है। ऑब्वियसली बात है, अगर सैंपल स्पेस के बराबर और सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी आपकी भाई ए यूनियन बी को मिलाया वो एस आ रहा है ना, ए यूनियन बी को मिलाया वो एस आ रहा है, तो ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी अगर एस है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज व्हाट 1, तो ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1 होता है इसमें। ओके, तो एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी का है, पेयर ऑफ डाइस का ही है, हम पेयर ऑफ डाइस में ही आपको डिस्कस कर रहे हैं। टोटल 36 है हमारा सैंपल स्पेस, तो इसमें एक क्वेश्चन, तो हमने क्वेश्चन ये लिया है कि इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ये हमने आपको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट ऐसे बताई है कि दिस इज ए एंड दिस इज बी, ओके दिस इज एम ई, दिस इज सॉरी एग्जॉस्टिव इवेंट, फर्क देखिएगा एग्जॉस्टिव और एम ई में कित क्या होता है। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज वॉट, एटलीस्ट 1:6, एक कम से कम हम क्वेश्चन ले रहे हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि ए प्रोबेबिलिटी है कि एक कम से कम 6 हो, एक कम से कम 6 हो मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक 6-6 भी हो सकता है, दिस इज ऑल्सो एक 6 हो, मतलब कि एटलीस्ट मीन्स कम से कम, एटलीस्ट आ जाओ मतलब कि एटलीस्ट मीन्स कम से कम तो कह ही रहे हैं आ जाओ, बाकी तुम आते रहो 3 दिन, ऐसे हम आप लोग से कहते हैं, हम लोग फैकल्टी जनरली कहते हैं एटलीस्ट 70% तो अटेंडेंस दो, तो एटलीस्ट 70% मतलब कि ऐसा नहीं है 70 के बाद मत आओ, 70 से ज्यादा हो सकता है बट 70 से कम नहीं होना चाहिए, एटलीस्ट का मीनिंग ये होता है। एटमोस्ट मीन्स अधिक से अधिक, एटमोस्ट में उससे आगे नहीं बढ़ते। ओके, नाउ एटलीस्ट 1:6, एटलीस्ट 1:6 मीन्स दिस 3, 4, 5, 6, ये तो ये भी आ जाएगा एंड दिस इज, सो टोटल नंबर ऑफ केसेस ये इतने हो गए, क्योंकि कितने हैं 6, 5, 11, तो ये हो गई आपकी प्रोबेबिलिटी 11/36। Getting? Now, sum is 11. Sum is 11, less than 11. अब less than 11 मतलब क्या हुआ? अब less than 11 time लगेगा, greater than 11 को घटा दो. Greater than 11 कौन से cases होंगे? I think, भाई 6, 5 ये भी हो सकता है. इसको छोड़ के सारे cases हो सकते हैं. 6-6 नहीं होना चाहिए. और 6-5 भी नहीं होना चाहिए. क्योंकि less than 11 है. तो इन तीन cases को हटा दें अगर हम. इन तीन केसेस को हटा दें तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हो गए, दीज आर। ओके, तो एक तरह से ये टोटल आपके तीन मतलब कि टोटल 36 हैं, 36 में तीन केस हटा दें तो हमारा सभी लेस देन 11 है, तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ केसेस हो गए, 36 में तीन केस हटा दीजिए, यही तीनों केस में ग्रेटर देन 11 जा रहा है, ये इक्वल टू 11 और ये ग्रेटर देन 11,
तो इन तीन केसेस को हटा दीजिए, मीन्स 33. सो 33/36. ओके, आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको. सम लेस देन 11 मतलब मोर देन 11 को हटा दीजिए 36 में. 36 में तीन ही केस तो ऐसे बचते हैं जिसमें मोर देन 11 है, या इक्वल टू 5, 6, 6, 5, 6, 6. इन तीनों को हमने हटा दिया. 36 में से तीन गया 33. 33/36. दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज 11, लेस देन 11. ओके, नाउ अगर हमने आपसे कहा कि व्हाट विल बी द पी ए इंटरसेक्शन. अब अगर आप देखें, ध्यान दीजिए, तो ए यूनियन बी, अगर हम, चलिए पहले हम इसको निकाल लेते हैं, ए इंटरसेक्शन जो हम आपको बताना चाह रहे थे. इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी मतलब क्या हुआ कि एटलीस्ट 1/6 हो और सम भी लेस देन 11 हो. मतलब कि एक कम से कम 6 भी हो और सम भी लेस देन 11 हो. ठीक है, तो सम लेस देन 11 हो, एक कम से कम 6 हो. तो पहले हम पकड़ते हैं एक कम से कम 6, तो यही वाली लाइन थी, दो लाइनें थी जिसमें कम से कम एक तो 6 था या दोनों 6 थे. ठीक है, और सम लेस देन 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ये 8 केस ऐसे हैं, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, इनको छोड़ दीजिए, जो कि कॉमन है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 केसेस ऐसे हैं जिसमें सम भी लेस देन 11. एग्जाम्पल 6, 3, 9, 9 सम है और एक 6 है, तो सम भी लेस देन 11 है और एटलीस्ट वन भी 6 है. आई थिंक समझ में आ रहा होगा आपको. तो ऐसे 8 केसेस हैं जिसमें सम भी 11 से कम है और एक नंबर 6 भी है, जो कि 8 ये केसेस हैं. वीडियो को बार बार पॉज कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तब समझ में आएगा. ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 8/36. क्लियर. नाउ 8/36 आ गया. अब अगर हम प्रोबेबिलिटी के नियम के अनुसार, प्रोबेबिलिटी की प्रॉपर्टी के अनुसार, ए और बी, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी. ओके, तो पी ए प्लस पी बी 11/36, 33/36 माइनस 8/36 विच इज व्हाट, 36/36 विच इज 1. अगेन 1, दोनों को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, 36 1 आ गया. तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज 1, जो कि बताता है एग्जॉस्टिव इवेंट की प्रॉपर्टी यही होती है कि दोनों का सम करें, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम करें तो दैट विल बी 1, जो कि आ रहा है. हेंस वी कैन से दैट कि अगर और देखिए, ध्यान दीजिएगा कि आपने सम एटलीस्ट 1/6 और सम इज 11, एटलीस्ट वन इज सिक्स, एक नंबर कम से कम 6 हो और आपका सम लेस देन 11 है, उसको आपने हटाया, उससे हटाया इंटरसेक्शन को, यू विल गेट ए यूनियन बी इज 1. तो वी कैन से ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. A and B are, क्यों? क्योंकि exhaustive की property होती है A union B is 1. Okay? और mutually exclusive क्या property होती है? Basic. A intersection B, कहीं से overlapping नहीं होती इसमें. इसमें भी overlapping नहीं होती, ये मिल करके पूरा पूरा sample space बना देता है. Okay? Next हमने अभी एक question, एक example लिया है कि any mutually exclusive events may be exhaustive events. कोई दो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स एग्जॉस्टिव भी हो सकती हैं. कैसे, हमने एक क्वेश्चन लिया है इसमें, अगर भाई दो संख्याओं का सम या तो इवन होता है, दो ही नंबर होते हैं इवन, या मैथमेटिक्स की भाषा में इवन और ऑड, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम इज इवन. हमने दो प्रोबेबिलिटी ली, सम अगर इवन आ जाए, इवन सम मतलब 1+1 2, 1+2 3, 1+3 4. तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें अगर 36 हैं नंबर ऑफ केसेस, तो 18 ऐसे पेयर होंगे
जिनका सम इवन आएगा और 18 ऐसे पेयर होंगे जिनका सम ऑड आएगा. ओके, तो सम इज इवन की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 18/36 और ऑड की प्रोबेबिलिटी क्या हो गई 18/36. और अगर हम कहें ए एंड बी मीन्स सम इवन आए एंड ऑड आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. ऐसे केसेस बनेंगे ही नहीं कि सम इवन भी आ जाए और ऑड भी आ जाए. तो इस केस में हमारी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी इसकी, शून्य, जीरो हो जाएगी. मतलब कि पी एंड बी मीन्स इंटरसेक्शन, कॉमन दोनों में कुछ नहीं हो गया. क्योंकि अगर सम 3 है तो सम अगर ऑड है तो सम इवन हो ही नहीं सकता, तो ऑब्वियस सी बात है जीरो हो जाएगी. ठीक है, तो अगर जीरो हो गया तो हमने कह दिया दे आर व्हाट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है. और पी ए यूनियन बी, ए और बी या तो सम इवन हो और या तो ऑड हो, या तो इवन हो और या तो ऑड हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी 1. कैसे, बिकॉज पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, सो दिस इज 18/36 प्लस 18/36 माइनस 0, सो 36/36 18/36 दिस इज 1. सो 1 आ गया पी ए यूनियन बी, तो वी कैन से दे आर व्हाट, दे आर एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव. तो ये ऐसी इवेंट्स हैं जिसमें जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एग्जॉस्टिव भी हैं. तो दिस इज दिस टाइप ऑफ केस होगा ये, कि देखिए ये कहीं से ओवरलैपिंग भी नहीं कर रही है, इंटरसेक्शन जीरो हो रहा है और इसका सम करके देखिए तो प्रोबेबिलिटी 1 हो रही है, वी कैन से. तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स जो होती हैं वो आपकी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आपकी एग्जॉस्टिव हो सकती हैं. दिस इज द केस. नाउ इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इफ ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और एग्जॉस्टिव से थोड़ी डिफरेंट है. इसमें हम लोग इवेंट्स की बात करेंगे. दो इवेंट्स हैं आर सच दैट कि एक प्रोबेबिलिटी, एक इवेंट घटना घट रही है तो उसी दूसरी इफेक्टेड ना हो, दूसरी घट रही है उससे वो पहली से इफेक्टेड ना हो. इफ़ टू इवेंट्स आर सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ वन इज नॉट अफेक्टिंग अनदर, वाइज वर्सा. ओके, तो हमने क्वेश्चन लिया है कि 3 सर्कल्स लिए हैं और 3 हमने स्क्वायर लिए हैं. केस 1 है कि दोनों केस समझाएंगे कि व्हाट इज इंडिपेंडेंट और व्हाट इज. तो दोनों केस में देखते हैं. सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, पिक करेंगे पिक रिप्लेस, ये एक तरह से केस है. पिक मतलब कि पिक करना है हमें, दो केसेस हैं इसमें कि हमें सर्कल को निकालना है या हमें स्क्वायर को निकालना है. तो सर्कल को निकालना है तो पिक करना है, देन रिप्लेस कर देना है, देन पिक करना है. इन टू ड्रॉज दो खींचने हैं हमें. ठीक है, तो अगर हम देखें पिक मतलब कि हम पहले एक सर्कल ले लें और सर्कल को लेने के बाद उसमें उसको पिक कर लिया हमने, फिर रिप्लेस कर दें, देन पिक करें. तो ध्यान दीजिएगा प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं हम C1 सर्कल की, पहले सर्कल की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं एक सर्कल पिक करने की. जब सर्कल पिक करने की टोटल नंबर ऑफ केसेस यहाँ पे कितने हैं, 6, और फेवरेबल नंबर ऑफ 3 में से कोई एक पिक कर सकते हैं, तो 3/6. ओके, ये हो गई सर्कल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी. ओके, नाउ अगर हम PC2 निकालें मीन्स दूसरे सर्कल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी, और कंडीशन हमने केस लगाया है कि पिक रिप्लेस पिक, मतलब इसको हमने पहली को उठाया, ठीक उठाया हमने, अब हमने ये प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर हमने इसको रिप्लेस कर दिया, मतलब कि अगेन हमारी 6 ही रह गई, तो ये 6 नीचे रह जाएगा. ओके, और फिर 3 में से कोई एक पिक करना है, तो देखिए 3/6 दूसरा एक केस ये हो गया. अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस वाली को जब हमने करा तो, और फिर जब हमने इस वाले को करा, सैंपल इसमें इस दोनों में सेम है, सैंपल स्पेस हमारी सेम है, सैंपल स्पेस
सेम है। तो इसमें देखिए ये इंडिपेंडेंट हैं, एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रही, क्योंकि हमने ऐसी ऐसा केस लगा दिया कि हमने इस वाली इवेंट से इस वाली इवेंट पे फर्क नहीं पड़ा, तो दे आर इंडिपेंडेंट, दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके, नेक्स्ट अगर हम ये ये हम केस लगा दे पिक एंड पिक, मिस पिक करिए रिप्लेस नहीं करना, तो PC1 क्या हो जाएगी, पहले सर्किल को पिक करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/6, लेकिन अगर हमने उसको रिप्लेस नहीं किया तो अब हमारा एक कम हो गई ना, एक कम हो गया हमारा, इस केस में 3 ही रहता है। अब पिक एंड पिक करने में क्या होता है, पिक एंड पिक करने में देखिए ध्यान दीजिएगा, पिक कर लिया तो एक कम हो गई, अब हमारी कितनी रह गई 5 रह गई, तो अभी हमें दो में से कोई एक निकालना है 2/5। तो यहां देखिए सैंपल स्पेस डिफरेंट हो गई और इस वाले इवेंट से इस पे फर्क पड़ रहा है, एक कम हो गया सैंपल स्पेस, तो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट। ओके, तो दे आर डिपेंडेंट इवेंट, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट एंड दे आर डिपेंडेंट इवेंट। तो ये हो गई हमारी डिपेंडेंट इवेंट, नॉट इंडिपेंडेंट मीन्स डिपेंडेंट इवेंट, दे आर इंडिपेंडेंट इवेंट। नाउ हम इसी इंडिपेंडेंट इवेंट्स में आपको एक प्रॉपर्टी बताना चाहते हैं, तो इसमें सबसे पहले प्रॉपर्टी बताने से पहले एक चीज हम समझेंगे, व्हाट इज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये आगे बायस थ्योरम में काम आएगी, इसे समझ लीजिए। इसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है, इसको ऐसे लिखते हैं A/B, ऐसे मत लीजिए लिखिएगा कि A/B हो जाए डिवाइड करने वाला, ये कुछ ऐसा साइन होता है जस्ट लाइक दिस। ओके, इसको बोलते क्या है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ऑलरेडी हैपेंड, बी हो चुकी हो तब प्रोबेबिलिटी ए की होना, जैसे कि अभी मैंने लास्ट में बताया कि एक बॉल हमने ड्रॉ कर ली थी सर्किल, तब दूसरी हमने ड्रॉ करी, उसमें कहेंगे PA/B। ओके, और इसका फॉर्मूला होता है PA/B का, PA इंटरसेक्शन B, दिस इज द फेवरेबल नंबर ऑफ केस एंड PB टोटल नंबर ऑफ केस। ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ A, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन B इज ऑलरेडी, सेम फॉर्मूला ऐसे ही हो जाएगा PA इंटरसेक्शन B अपॉन PA। ओके, मतलब कि बेसिकली ये A/B का फॉर्मूला आप समझिएगा, B ऑलरेडी हो चुकी है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ B को हमने सैंपल स्पेस बोला है, तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी PB होगी, और फेवरेबल नंबर ऑफ केस क्योंकि जब B हो चुकी है तब A का होना तो इंटरसेक्शन कहलाएगा। ओके, तो ये फॉर्मूला एक तरह से आप इसको समझिए और इसको लर्न भी कर लीजिएगा, समझा मैंने दिया है आप। हम एक क्वेश्चन के थ्रू बता रहे हैं आपको, अगर हमने 3 क्वाइंस लिए हैं उनको टॉस किया है तो 3 क्वाइंस का सैंपल स्पेस ये बनता है आपका, एंड ये बनता क्या है 2^3 होता है, एक्चुअली में एक में दो केसेस हैं तो ये आपका बनता है 2^3 से 8 नंबर ऑफ केसेस, मतलब कि इसकी कार्डिनलिटी इज 8। ओके, 8 केसेस बनेंगे। सो इसमें हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं, ए एंड केसेस ले रहे हैं, ए एंड बी। ओके, हमने एक क्वेश्चन लिया है, क्या सैंपल स्पेस तो ये हो गई हमने, कंडीशन क्वेश्चन ले लिया हमने ये कि ए हमने कहा है गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, मतलब कि ए और बी दो केसेस लिए हैं, दो इवेंट दो घटनाएं हमने ली हैं। पहली घटना है कि एक हेड फर्स्ट टॉस में हेड आए, तो यहां देखिए फर्स्ट टॉस में हेड किसमें है, ये फर्स्ट टॉस है, सेकंड टॉस है, ये थर्ड टॉस है, तो फर्स्ट टॉस में हेड आए, मतलब ये तीनों केस ऐसे, चारों केस ऐसे हैं जिसमें पहली बार में हेड आया है, तीन टॉस किए गए हैं, कॉइन के 3 कॉइंस हैं तो टॉस टुगेदर किए गए हैं। ओके, अ कॉइन टॉस 3 टाइम्स भी कह सकते हो, और कॉइन आपका है टॉस 3 टाइम्स भी कह सकते हैं, ठीक है, किसी कॉइन को 3 टाइम्स टॉस किया गया, तो फर्स्ट और सेकंड अगर ले रहे हैं तो फर्स्ट टॉस में बोलेंगे हम फर्स्ट टॉस में हेड आ जाए, ये एक केस है। दूसरा केस हमने लिया है कि फर्स्ट टॉस में टेल आ जाए, तो फर्स्ट टॉस में टेल किसमें आ रहा है, इसमें 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 इसमें, तो कार्डिनलिटी ऑफ
कार्डिनेटी मीन्स नंबर ऑफ स्पेसेस, नंबर ऑफ केसेस, 1, 2, 3, 4, तो 4 है, और कार्डिनेटी ऑफ सेकेंड बीप है 4. ओके, नाउ अगर हम आप यहां से आपको कहें कि इसमें आपका देखिए कोई भी कॉमन नहीं है, तो अगर हम जल्दी से इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालें तो दिस इज 4/8, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालें दिस इज 4/8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालें. इंटरसेक्शन बी में देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, एन ए ऐसा कोई भी केस नहीं है जो दोनों में कॉमन हो, सो कॉमन कुछ भी नहीं है, सो दिस इज 0, दिस कर्नलिटी इज 0, सो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ गई. और ए यूनियन बी तो हम निकाल लेंगे बाद में, तो देखिए जैसे ही 0 आई तो हम कह सकते हैं कि दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. और अगर हम निकालें कार्डिनलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो अगर दोनों को जोड़ दें तो देखिए पूरा सैंपल स्पेस मिल जा रहा है, दिस इज सेम एज कार्डिनलिटी ऑफ सैंपल स्पेस विच इज व्हाट 8. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज व्हाट, इट इज 1, 8/8, दिस इज 1. सो हम यहां से कह सकते हैं दे आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, तो दीज आर एग्जॉस्टिव इवेंट्स. ओके, दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है कि वही है, सैंपल स्पेस वही है, 3 टॉस किए गए हैं, तो ई हमने लिया है गेटिंग अ हेड ऑन द फर्स्ट टॉस, और एफ लिया है हमने दूसरे इवेंट गेटिंग अ टेल ऑन द लास्ट टॉस. तो गेटिंग अ फर्स्ट टॉस में आपका हेड आ जाए, हेड 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 हेड, लास्ट टॉस में टेल आ जाए, टेल 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 टेल. तो कार्डिनलिटी ऑफ फर्स्ट इवेंट 4 हो गई, कार्डिनलिटी ऑफ सेकेंड इवेंट 4 हो गई. ई इंटरसेक्शन एफ मीन्स दोनों का कॉमन, कॉमन यहाँ पे दोनों में कॉमन दिख रहे हैं, वो क्या है कि फर्स्ट हेड आए लास्ट टेल आए, फर्स्ट हेड लास्ट टेल, ये आपका कॉमन दिख रहा है. और एस टी टी देखिए दोनों में है ये. ओके, तो दो कॉमन दिख रहे हैं, सो दो कॉमन, तो इसका कार्डिनलिटी 2 आ गई. ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज वॉट, 4/8, प्रोबेबिलिटी इज ऑफ एफ 4/8, एंड दिस इज 2/8. टोटल नंबर ऑफ केसेस 8 है और फिर नंबर ऑफ केसेस 2 है. नाउ इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस, वी आर फाइंडिंग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी ई बाई एफ, मीन्स मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, एफ इज ऑलरेडी हैपेंड मीन्स लास्ट टॉस टेल आ जाए तब पहले में हेड आए. तो इसकी हम अगर फॉर्मूले से चलें तो ए इंटरसेक्शन बी अभी लास्ट में बताया था मैंने अपॉन एफ, तो इस नियम से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 2/8 एंड इसकी कितनी है 4/8, सो आंसर इज 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज 1/2, दिस इज 1/2. सो ध्यान दें अगर आपको ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हेन एफ इज ऑलरेडी हैपेंड, तो देखिए पी आ रहा है, इसका मतलब एफ से उसकी सेहत पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, तो ऐसे ही पी एफ अपॉन ई निकालिए, तो ये है आपका इट इज 2/8 एंड दिस इज पी इज पी एफ, तो हमने 4/8 लिखा था यहाँ पे, हाँ पी इज ऑल्सो 4/8, तो दिस इज अगेन 1/2, सो अगेन इट इज वॉट, दिस इज पी एफ. तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई की जब एफ हो जाए वो भी पी की प्रोबेबिलिटी ई की प्रोबेबिलिटी के बराबर आ जाए, मतलब कि एफ से उसके एफ के होने ना होने से इफेक्ट नहीं पड़ रहा, सेम प्रोबेबिलिटी आ रही है. ऐसे ही एफ की प्रोबेबिलिटी जब ई हो जाए वही आ रही है जो एफ की प्रोबेबिलिटी है, तो इसका मतलब दे आर इंडिपेंडेंट. और यहीं से निकलता है, जरा ध्यान दीजिए कि ई इंटरसेक्शन एफ इज वॉट, इट इज नथिंग, इट इज पी ई डॉट पी एफ. तो कंडीशन हो जाती है ये इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी की, कि अगर दो इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो उनके इंटरसेक्शन का प्रोडक्ट पी ए डॉट पी बी होता है. दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडिपेंडेंट इवेंट्स. ठीक है, ये यहीं से निकला है, चाहे आप चेक कर लीजिए पी ई अपॉन एफ इज इक्वल टू पी. सो देखिए फॉर्मूला अगर देखिए यहाँ, दिस इज इक्वल टू दिस, मतलब कि देखिए क्या निकला है, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ, दिस इज नथिंग, दिस इज पी. सो यू कैन सी
इनका मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो यही